वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपको सबसे पहले इसमें ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। सो एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, जब कोई सब्सटेंस फ्रीज हो जाता है, द सॉलिड फेस इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेस। जब भी कोई चीज़ फ्रीज होती है तो क्या होता है कि उसका जो सॉलिड फेस है एंड जो भी उसका लिक्विड फेस है, उन दोनों में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कि जिस टेम्परेचर पर ऐसा हो रहा है, मतलब कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड फेस और लिक्विड फेस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और उस पर क्या होता है, एज द टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इन इट्स लिक्विड फेस, लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेस। तो आपको ये काफ़ी ध्यान से, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से आपको इसको सुनना है। उसी सब्सटेंस का लिक्विड फेस में वेपर प्रेशर, उसी सब्सटेंस का सॉलिड फेस में वेपर प्रेशर, दोनों इक्वल हो जाएं, क्योंकि सॉलिड फेस में वेपर प्रेशर की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, मतलब जीरो के अप्रोक्सीमेट होती है। तो लिक्विड फेस का जो वेपर प्रेशर होगा और सॉलिड फेस का जो वेपर प्रेशर होगा, दोनों इक्वल हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर आपको दो बातें याद रखनी है, सॉलिड फेस एंड लिक्विड फेस में बन जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एंड सॉलिड फेस और लिक्विड फेस उसी सेम सब्सटेंस का, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल बन जाता है। तो अब हमारी वही पुरानी बात आएगी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस के वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। अब हमें लिक्विड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर डिक्रीज ही करवाना होता है अगर हमें उसको सॉलिड बनाना हो। तो इसने तो ऑलरेडी ही वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया है, मतलब अब हमें लो टेम्परेचर और करना पड़ेगा, उस पर जाकर अब उन दोनों का वेपर प्रेशर बनेगा इक्वल, सॉलिड और लिक्विड फेस का, जिसके साथ के वो सब्सटेंस फ्रीज हो जाएगा। सो ए सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। एज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सो नाउ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। तो अगर पहले वाटर की एग्जांपल लेते हैं, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा होगा, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद वो उससे भी लोएस्ट टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, मतलब कि 0 से भी लोएस्ट टेम्परेचर पर वो फ्रीज होगा, माइनस में कुछ वैल्यू पर जाकर वो फ्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने के कारण डिक्रीज हो जाता है इसलिए। सो उसको अब लोअर और भी ज़्यादा लो टेम्परेचर तक हमें उस सब्सटेंस को पहुंचाना होगा ताकि वो फ्रीज हो जाए। सो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट होगा, उसको हम डिनोट करते हैं बाय टीएफ नोट, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, उसको हम डिनोट करते हैं टीएफ। अब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का लो हो जाएगा, डिप्रेशन आया है उसमें। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज TF नोट माइनस TF, तो हमारा डेल्टा TF क्या बन गया, TF नोट माइनस TF। नाउ एक्सपेरिमेंटली हमने ये फाइंड किया है कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, जैसे हमने डेल्टा TB में किया था। सो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज कॉल्ड KF। KF इज़ द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ये भी आपको इनके नेम्स याद रखने हैं। नाउ
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, मतलब के मोलैलिटी पर ही डिपेंड करती है, मींस के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, सो इट इज आल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी सेम है कि के एफ की वैल्यू अलग अलग सोलवेंट्स के लिए अलग वैल्यू होती है के एफ की, जैसे कि वाटर के लिए है 1.86 एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट 273, और बेंजीन के लिए है 5.12 एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरी बात क्या याद रखनी है, किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही सेम होते हैं, तो आपको कोई भी स्टेटमेंट दी जा सकती है विद रिलेटेड टू फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटेड टू द मेल्टिंग पॉइंट। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो ध्यान से देखिएगा। हमने इस एक्सिस पर यूज़ किया है, दैट इज़ द टेम्परेचर, इस एक्सिस पर है हमारा वेपर प्रेशर। सो दिस इज़ द लिक्विड सॉल्वेंट, जब वो फ्रीज हुआ है तो उसकी कर्व चेंज हो जाएगी। जब भी हम ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर भी स्टेट चेंज होती है वहाँ से ग्राफ चेंज हो जाता है, मतलब वहाँ पर ग्राफ में आता है बेंड। तो यहाँ पर ये चीज़ बन रही है, फ्रोजन सॉल्वेंट की अलग है कर्व और लिक्विड सॉल्वेंट की अलग है कर्व। नाउ सॉल्यूशन का ग्राफ यहाँ पर बनेगा क्योंकि वेपर प्रेशर उसका लो है, तो लो वेपर प्रेशर की कर्व को फ्रोजन सॉल्वेंट के साथ मीट करने के लिए लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हुआ है मीट और सॉल्वेंट तो यहीं पर हो गया था। इसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट मतलब के प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा, क्योंकि उसकी इंटरसेक्शन होनी चाहिए, वो जो फ्रोजन सॉल्वेंट का एक एक रीजन बना हुआ है ग्राफ पर, उस पर जब वो आकर सॉल्यूशन की जो है कर्व उस पर आकर जब इंटरसेक्ट होगी तो वो फ्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन भी। तो ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट ग्राफ है। तो ऐसे ही हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी ग्राफ ड्रॉ किया था, इन दोनों के ही ग्राफ्स होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का हम कोई भी ग्राफ नहीं करेंगे, इन दोनों ग्राफ्स को प्लीज़ आपको ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट है, इससे भी हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं मोलर मास की। सिमिलर फॉर्मूला है जैसा कि हमने डेल्टा टी बी के लिए किया था, सिर्फ डेल्टा टी एफ आएगा और के एफ आएगा, बाकी सभी सेम फॉर्मूला है। और के एफ का भी हम जो एक्सपेरिमेंटली इसको जब सोल्व किया जाता है वहाँ पर भी गैस कॉन्स्टेंट, मोलर मास, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोलवेंट 1000, एंड इंथेल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की इंथेल्पी है यहाँ पर, वहाँ पर थी इंथेल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये एक एक्स्ट्रा फार्मूला आपको साथ में याद रखना है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आना काफ़ी रेयर चांसेस हैं, अगर आएगा तो ये सभी वैल्यूज़ आपको दी होंगी, आपको डायरेक्ट यूज़ कर कर सिर्फ उसकी सोल्विंग करनी होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक इंथेल्पी ऑफ फ्यूज़न ही अलग बात है, बाकी की वैल्यूज़ तो हमारे पास ऑलरेडी ही होती हैं। सो इसके साथ रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, स्टेटमेंट को नोट डाउन करना है और फिर बाद में सोल्व करना है। 1 ग्राम ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट डिजोल्ड इन 50 ग्राम ऑफ द बेंजीन। हमने 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फिर से मैं आपको बता दूं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसके कोई भी आयंस नहीं बन रहे, बेंजीन में डिजोल्व किया गया है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40, तो 0.40 होगी हमारी डेल्टा टी एफ, डब्ल्यू बी हो गया हमारा 1 ग्राम और डब्ल्यू ए हो गया हमारा 50 ग्राम। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 के एफ की वैल्यू, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो आपका डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा, सभी वैल्यूज को स्टेटमेंट में से उतारें और डायरेक्ट फार्मूला लगाकर आपको सिर्फ सिंपली सोल्विंग करनी है, तो ये आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए अनसोल्व्ड है, मैं आपके लिए स्टेटमेंट एक बार अंडरस्टैंड, हम इसको रीड आउट कर कर देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। 45 ग्राम जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, दैट इज़ फार्मूला हमें दिया गया है, इज मिक्सड विद द 600 ग्राम ऑफ द वाटर, सो दिस इज़ द डब्ल्यू बी, दिस इज़ द डब्ल्यू ए, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा टी एफ सोल्व करें, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन मतलब आपको टी एफ निकालना है, पहले निकालनी है डेल्टा टी एफ, बाद में टी एफ कैसे निकालेंगे, टी एफ नोट माइनस कर देंगे डेल्टा टी एफ, तो वहाँ से आपका इजिली सोल्व आउट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम. तो ये जो हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पर नंबरिंग की है, ये आपको भी शुरू करनी है जब हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल शुरू किए थे, वहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमने अलग बनाई है नंबरिंग. उससे पहले जो भी न्यूमेरिकल्स थे उनकी आपको उनका रिकॉर्ड आपको अलग रखना था. तो ए 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन. तो ध्यान दीजिए, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब दिस इज द टी एफ, ये आपकी वैल्यू होगी टी एफ की. एंड दिस इज द 5%, मतलब के 5 ग्राम इन प्रेजेंट इन द 95 ग्राम ऑफ द सोलवेंट. तो 5% से हमें क्या मिला, 5 ग्राम एंड 95 ग्राम, मतलब डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू ए, और दिस इज द टी एफ. टी एफ है तो आपको डेल्टा टी एफ निकालना है, क्योंकि टी एफ नॉट जो वाटर का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट 273 भी यूज़ कर सकते हैं, 273.15 भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट आपके आंसर फिर आ जाएंगे अगर आप 273.15 करते हैं. बट सॉल्विंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है. डेल्टा टी एफ आप वहाँ से निकालें, डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू ए है. तो इस न्यूमेरिकल में आपको के एफ सोल्व करना है, आपको इसमें के एफ बिल्कुल नहीं दिया है, क्योंकि आगे जो स्टेटमेंट है वो भी ध्यान से रीड कर लें. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस वन. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर यही यूज करना है, आपको स्टेटमेंट में ही वैल्यू दी गई है. तो इसको दोबारा से रिपीट करते हैं क्या है इसमें. तो पहले एक सोल्यूशन दिया गया है जिसका कि आपको टी एफ भी दिया है. टी एफ देने का रीजन है डेल्टा टी एफ सोल्व करना. डेल्टा टी एफ है, डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू एस सब कुछ है, सिर्फ के एफ नहीं है. तो ऊपर की स्टेटमेंट से आपको के एफ को सोल्व करना है. तो सोल्विंग को इजी बनाने का मेथड मैं आपको बताता हूँ. के एफ को सिंपली सोल्व कर कर रखें, पूरी कैलकुलेशन को ना सोल्व करें, क्योंकि हमारी मेन वैल्यू आगे सोल्व होने वाली है, हम उसको ऐसे ही यूज़ कर लेंगे. दूसरी स्टेटमेंट में 5% है, फिर से आ जाएगा 5 ग्राम, और 95 ग्राम ग्लूकोज है, उसका आपको मोलर मास निकाल देना है इन वाटर, और उसके लिए आपको डेल्टा टी एफ सोल्व करना है, और के एफ की वैल्यू जो आपने ऊपर सोल्व की थी उसको यूज़ करें. उसको यूज़ कर कर आपको डेल्टा टी एफ निकाल कर टी एफ निकाल देना है. तो ये न्यूमेरिकल प्लीज़ खुद सोल्व कर कर आपको सभी देखने हैं, काफ़ी ईजी हैं. आगे चलते हैं. कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, उसका फॉर्मूला भी आपको दिया गया है. इज़ टू बी डिजोल्ड इन 75 ग्राम ऑफ एस्टिक एसिड, दिस इज द डब्ल्यू ए मास ऑफ द सोलवेंट, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट. मैंने आपको बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट एक साथ ही यूज होंगे, बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये होगी आपकी डेल्टा टी एफ की वैल्यू. के एफ की वैल्यू भी आपको दी गई है. मोलर मास आपने फॉर्मूले से सोल्व करना है. तो इसमें सोल्व क्या करना है, दैट इज डब्ल्यू बी. ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट है काफ़ी ईजी. कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजोल्ड, मतलब कितना मास हम उसका डिजोल्व करें, वो है डब्ल्यू बी. तो आपको यहाँ पर डब्ल्यू बी सोल्व करना है, गिवन मास ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब गिवन मास ऑफ द सल्यूट. तो इसको आपको सोल्व करना है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है. अगला न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. टू एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, उन्होंने दो कंपाउंड बनाए हैं, एक ने बनाया है Ab2, एक ने बनाया है Ab4. वेन डिजोल्ड इन द 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, 20 ग्राम बेंजीन में उनको हमने डिजोल्व किया है. बेंजीन का फार्मूला तो आपको याद होगा, बाकी उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है 1 ग्राम ऑफ Ab2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय दिस वन. सो दिस इज द डब्ल्यू बी वन एंड दिस इज द डेल्टा टी एफ फॉर द फर्स्ट केस. वेयर्स 1 ग्राम ऑफ Ab4 लोअर्स इट बाय 1.3. सो ये हो गया आपका डब्ल्यू बी एंड डेल्टा टी एफ फॉर द सेकेंड केस. के एफ की वैल्यू दी गई है, हमें अटोमिक मास निकालने ए और बी के. तो ये चीज़ दी गई है Ab2 के लिए, ये दी गई है Ab4 के लिए. तो हम फॉर्मूले से क्या सोल्व कर सकते हैं, Ab2 का मोलर मास और Ab4 का मोलर मास. मतलब पहले अपने दो न्यूमेरिकल अलग अलग सोल्व करें. तो हम सबसे पहले Ab2 के लिए सोल्विंग करते हैं. Ab2 के लिए डेल्टा टी एफ, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए, के एफ सब कुछ लगाया और मोलर मास हमने इसका सोल्व कर लिया. सोल्विंग आपने खुद करनी है, प्लीज़
सोल्विंग की आदत खुद को डालने, क्योंकि सीबीएसई में सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की पूरी सोल्विंग, पूरी कैलकुलेशन आपको ही खुद करनी पड़ेगी। जो भी आपने अपने शॉर्टकट बनाने हैं, जहां पर आपने अपनी अप्रोक्सीमेशंस करनी है, वो सभी काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एंड दूसरी साइड पर 4AB4, डेल्टा टी एफ है, डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू ए है, और यहाँ पर भी हमने मोलर मास AB4 का निकाल दिया। नाउ हमने ए का एटॉमिक मास अज्यूम कर लिया ए, और बी का हमने अज्यूम कर लिया बी। अब क्या होगा कि MAB2 है, इसका मतलब है ए प्लस टू बी, क्योंकि एक ए है, दो है बी, इसलिए ए प्लस टू बी की वैल्यू है, और साथ में ए प्लस फोर बी की वैल्यू है। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगी। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है, किसी भी मेथड के साथ आप इन्हें सोल्व करें, सबट्रैक्टिंग कर लें, कोई भी मेथड आप लगाएं, तो यहाँ से आपके ए और बी के आंसर आ जाएंगे। दैट इज़ एटॉमिक मास ऑफ ए एंड एटॉमिक मास ऑफ बी। तो प्लीज़ ये आपके न्यूमेरिकल्स हो गए हैं 1, 2, 3, 4 और 5। 5 न्यूमेरिकल्स इस पार्ट में हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विद दिस ग्राफ। पूरे नोट्स अपने साथ साथ में प्रिपेयर कर लें। ये सभी स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको असाइनमेंट की एक पीडीएफ शेयर की थी, उसमें से ही हैं सभी स्टेटमेंट्स, कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है। उसका आपको टॉपिक नंबर थर्ड ओपन करना है, टॉपिक नंबर थर्ड में से ये सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, और जो इनिशियल पेज था उस पर भी इसके दो न्यूमेरिकल हैं, तो वहाँ से भी आपको ये सभी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी। और यहाँ पर भी आप इनको, वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर सकते हैं, आपके सामने है। मैं इन सभी स्टेटमेंट्स पर वीडियो को रोक रहा हूँ, तो प्लीज़ इनको रोक कर आपको स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लेना है और इन्हें खुद सोल्व करना है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और एक बात और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई ने इस साल का न्यू सिलेबस के बारे में अनाउंसमेंट हो चुकी है। मैथ्स के सिलेबस की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, क्या क्या आपको इस बार आने वाला है सिलेबस में, वो पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएंगी। सॉल्यूशन चैप्टर्स ऐसे ही है, जो भी हमने इसमें टॉपिक किए हैं वो पूरा का पूरा है, तो ये आपको पहले कंप्लीट कर लेना है, फिर हम आगे का न्यू चैप्टर शुरू करेंगे।